21 जन्म 22 जन्म में गरीब होगा तो चलेगा? आपने कहा 21 जन्म, आपने कहा 21 जन्म धनवान, 22 जन्म में गरीब क्यों होगा? 22 जन्म में 21 जन्म के लिए मांगा, सारे कल्प के लिए। तो जितना बीज बोएंगे उतना मिलेगा ना। तो कितने लोगों को सुनाना चाहिए, आपके हाथ में भाग्य है, इतनी लंबी भाग्य की रेखा खींचना चाहते हो वो आप कर सकते हो, आपके हाथ में। भगवान कुछ नहीं देता, ज्ञान सुनाया, भाग्य वो बनाने की विधि बताता है, वो कुछ दे नहीं सकता, उसके पास कुछ सोना हीरा पैसा खाना कुछ नहीं है, विधि बताता है। बच्चे अगर आपको सदा धनवान बनना चाहिए, सारे कलम में ज्ञान धन दान करो। बाबा हमारे पास ज्ञान है नहीं, रोज बाबा देता है, कंजूसी क्यों करते हो? आपके जेब से नहीं, आपके धन धन नहीं देना, शिव बाबा जो देता है उसको, उस दान ज्ञान को दान करो, उसमें कंजूसी करते हो? करते हो, याद ही नहीं रहता, उसकी विधि बताया। ठीक है, तो ज्ञान सुनने का तरीका चाहिए, ज्ञान दान करने का तरीका चाहिए, ज्ञान धारण करने का तरीका चाहिए, तब धनवान बनेंगे। ज्ञानी तो आत्मा में अपने अपने बनते हैं। अगर आप आराम से बैठ को सुनते रहो, थोड़ा नींद भी आ रही, इधर उधर के विचार भी आते हैं, तो साधारण हो गया। जैसे सत्संग में जाते हो, सुन लिया संत वचन महाराज जी, हो गया, घर में आने के बाद वैसे की वैसे। तो ऐसे करना चाहिए, अभी भी द्वापर युग से अभी तक जो किया वही करना चाहिए कि और कुछ करना चाहिए? माताएं बताओ, द्वापर युग से सत्संग में जाते हो, राम की कहानी सुनी, गीता सुनी, और कुछ सुना, सब जाते हो मंदिर में, जो ऐसे अभी भी ऐसे ही करना है, सेंटर में जाना है, मुरली सुननी है, बैठना है, मेरा बाबा कहना जाना है, खाली घर में जाके गुस्सा भी करना है, बच्चों को डांटना भी है, ऐसे ही करना है ना, अभी कुछ परिवर्तन करना है ना। तो परिवर्तन करना चाहते हो, ज्ञान का एक बूंद रोज धारण करो, सारा ज्ञान नहीं चाहिए, एक बूंद।